वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर किडोज एंड माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल मैं प्रियंका काला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ एक बार फिर से स्वागत डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास मोरलेस फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग और नेक्स्ट लास्ट है वॉट कम्स नेक्स्ट आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे मैम आपने तो मोर और लेस टॉपिक हम मुझे पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है ना बट बेटा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे जो लास्ट के यूट्यूब चैनल के वीडियो था मोर और लेस वो टॉपिक जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्रेटर स्मॉलर के साथ Isn't it? तो आज जो है तो ये मोर लेस का जो टॉपिक है वो कोरिलेटेड है फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग के साथ और व्हाट कम्स नेक्स्ट के साथ तो इसीलिए आज मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूं तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ये स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है पिक्चर में देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं ठीक है अब ये दो ग्रुप्स किस तरीके से हैं इसमें जो पहला वाला ग्रुप है इसमें आता है आपके पास उसके पास हैं आपके पास ध्यान से देखेंगे अगर आप कि पहले वाले ग्रुप में कितने इरेजर्स हैं तो पहले वाले ग्रुप में है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इरेजर्स ठीक है तो एक स्टूडेंट होता है उसका नाम सुनील होता है सुनील के पास है सिक्स इरेजर्स तो देखते हैं नव्या एक दूसरी गर्ल है साथ में उसकी फ्रेंड है उसके पास कितने इरेजर्स हैं वन टू थ्री फोर ओनली फोर इरेजर्स तो आप स्टूडेंट्स आप लोग बताइए सुनील के पास है सिक्स इरेजर्स नव्या के पास है फोर इरेजर्स तो किसके पास ज्यादा इरेजर्स हैं रेजर्स बताइए yes. बिल्कुल सही सोचा आपने सुनील के पास ज्यादा इरेजर्स है. है ना ज्यादा तो कैसे पता चला आपको सुनील के पास ज्यादा इरेजर है कैसे पता किया आपने काउंटिंग करके और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की वन से स्टार्ट की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है और इसको भी वन से ही स्टार्ट किया वन टू थ्री फोर तो जिसके पास ज्यादा काउंटिंग आई उसके पास ज़्यादा इरेजर्स हैं जिसके पास कम काउंटिंग है, उसके पास कम इरेजर्स हैं दैट मीन्स सुनील हैव मोर इरेजर्स एंड नव्या हैव लेस इरेजर्स तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोर एंड लेस सुनील के पास सिक्स इरेजर्स नव्या के पास फोर इरेजर्स दैट मीन्स सुनील हैव मोर इरेजर्स मोर के आगे सिक्स और नव्या के पास कम है यानी कि फोर वो आ लेस के नीचे तो ये बात क्लियर होगी बेटा आपको तो आपने इससे क्या सीखा कि जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है जो कि वन से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अभी मैं आपको टेंथ तक ही बता रही हूँ ठीक है तो जैसे हम लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो जैसे ही काउंटिंग जो है वो आपकी लेफ्ट साइड से इस साइड को आप सभी को मालूम है दिस वन इज अवर लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज अवर राइट साइड है ना तो जैसे ही हम लेफ्ट साइड साइड से राइट right की ओर मूव करते हैं हम लोग लेस से मोर होते जाते हैं आपने देखा फोर वाले को आपने लेस बोला और सिक्स वाले को आपने मोर कहा है ना फोर वाले को आपने क्या कहा लेस और सिक्स वाले को आपने क्या कहा मोर कहा दैट मींस जैसे ही हम लोग करते हैं काउंटिंग करते हैं वन से लेके लेफ्ट से लेके राइट right की ओर वन से लेके टेन की ओर उसका मतलब होता है हम लोग धीरे धीरे लेस से मोर की ओर मूव करते हैं लेस से मोर की ओर जाते हैं तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेस एंड मोर सिर्फ काउंटिंग में आपको देखना है कि जो आपका राइट साइड पड़ रहा है वो हमेशा मोर में आएगा और जो आपका लेफ्ट साइड पड़ रहा है वो आपका लेस में आएगा लेकिन कब जब आप काउंटिंग वन से स्टार्ट कर रहे हैं क्या कहा मैंने जब आप काउंटिंग वन से टेन ओर स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है तो मोर और लेस का कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है काउंटिंग ऑब्बियसली बात है काउंटिंग हम हमेशा ही से शुरू करते हैं तो वन से टेन की ओर यानी कि लेफ्ट से राइट right की ओर जब हम जाते हैं दैट कि हम लेस से मोर की ओर मूव करते हैं तो चलिए ये तो है हमारा पहला टॉपिक जो कि कवर हो चुका है ठीक है अब आप मुझे ये बताएंगे एक सिंपल सा चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेके चल लेते हैं इसमें कि अगर एक बच्चे के पास सेवन बॉल्स है और दूसरे बच्चे के पास टेन बॉल्स है तो आप मुझे ये बताइए किसके पास मोर है किसके पास लेस है तो आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन यानी कि दिस वन है ना सेवन और उसके बाद दूसरे वाले के पास कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बॉस दूसरे वाले के पास है तो आप क्या कहेंगे आपका लेफ्ट साइड कौन सा पड़ गया सेवन राइट साइड कौन सा पड़ गया टेन ठीक है ये पड़ा आपका लेफ्ट साइड और ये पड़ा आपका राइट साइड कब जब हमने वन से स्टार्ट किया यहां से स्टार्ट किया दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड है वो होगी लेस और जो राइट साइड है वो हो जाएगी मोर ड बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग कौन सी है बैकवर्ड काउंटिंग कौन सी है तो देखिए अगेन वही कंसेप्ट है जब हम वन से काउंटिंग करना शुरू करते हैं ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने जब हम वन से काउंटिंग करना शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरीके से तो इसे हम लोग क्या कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग क्या कहते हैं इसे हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग तो फॉरवर्ड काउंटिंग आपको क्या समझ में आया फॉरवर्ड व्हाट इज फॉरवर्ड काउंटिंग व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम वन और अंडरस्टूड सी बात है हमने यही सीखा है कि स्टार्टिंग हम हमेशा वन से ही करते हैं दैट मीन्स जब हम लोग कहाँ से चले से किस तरफ चले मोर की ओर इसको ध्यान से देखिएगा जब हम लेस से मोर की ओर चले तो इसे हम लोग क्या कहेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग ठीक है और अब बैकवर्ड काउंटिंग क्या हो जाएगी बच्चों जब हम टेन से पीछे जाना शुरू करते हैं यानी कि टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इसे हम लोग क्या कहते हैं देखिए कहाँ से एरो स्टार्ट हुआ आपकी ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई टेन से स्टार्ट हुई और ये तब की बात बता रही हूँ जब हम वन से टेन तक की काउंटिंग सीख रहे हैं जब हम पीछे के लिए शुरू करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दिस इज अवर बैकवर्ड काउंटिंग लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग का मेन बेस मैंने आपको क्या बताया जब हम टेन से वन की ओर गए यानी कि इस टाइम उल्टा हो गया हम मोर से लेस की ओर जाने लगे मोर से लेस की ओर जाने लगे एक बार दोबारा देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग कौन सी काउंटिंग जब हमारे पास लेस ऑब्जेक्ट होते हैं लेस सामान होते हैं और हमें मोर चाहिए होते हैं कम से ज्यादा की ओर कम से ज्यादा की ओर उसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग और जब हम ज्यादा से कम की ओर जाना शुरू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ज्यादा से कम की ओर जाना शुरू करते हैं इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है बैक बैक मतलब पीछे पीछे मतलब ज्यादा से कम तो क्लियर हो गया बेटा आपको फॉरवर्ड काउंटिंग लेस टू मोर बैकवर्ड काउंटिंग मोर टू लेस तो चलिए बेटा अब हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं जो कि मोर और लेस यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग में डिपेंडेंट होगी जिसका हम जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक व्हाट कम्स नेक्स्ट इट तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है बेटा देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है वन टू थ्री आपसे क्वेश्चन पूछा गया वॉट कम्स नेक्स्ट मीन्स अब इसके बाद क्या आएगा अब आपको यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो सोचते हैं क्या लिखा जाए कोई बच्चा यहाँ पे थ्री लिखता है कोई टू लिखता है कोई फोर लिखता है उसे समझ नहीं आता करना क्या है तो सिंपल सी चीज है आपको कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में ज्यादा आपको सिर्फ ये सोचना है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई वन से स्टार्ट हुई जैसे मैंने आपको बताया था कि वन से स्टार्ट हो रही है पहले आपके पास वन टॉफी थी फिर टू हो गई फिर थ्री हो गई यानी कि पहले कम टॉफी थी पहले आपके पास लेस ऑफिस थी जो कि धीरे धीरे आपके पास मोर होती जा रही है यानी कि ज्यादा होती जा रही है कम से ज्यादा होती जा रही है यू आर मूविंग फ्रॉम लेस टू मोर और लेस टू मोर का मतलब क्या होता है फॉरवर्ड काउंटिंग कौन सी काउंटिंग बच्चों फॉरवर्ड काउंटिंग इसका मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स वन टू थ्री उसके बाद जो आपने सीखा है फोर अगर मैं कहूँगी वट विल बी कम वट कम नेक्स्ट टू द फोर देन यू विल से फोर के बाद फाइव एंड देन इजी समझ आया बच्चों? देखिए आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें भी सेम है वट कम्स नेक्स्ट मतलब आगे क्या आएगा फिर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा जाए फोर के बाद बच्चे अक्सर फाइव लिख लेते हैं बिना सोचे क्योंकि उन्हें यह पता है कि काउंटिंग हमेशा एक ही होती है फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में तो सोचते ही नहीं है लेकिन अभी वीडियो में मैंने आपको बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में भी बता दिया है, है ना तो अब आप क्या सोचेंगे आपने बस ये सोचना है ये नहीं सोचना कि यहाँ पे फोर है तो ऑब्वियसली हमेशा फाइव ही आएगा बिल्कुल नहीं आपने स्टार्टिंग से देखना शुरू करना है कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या थी आपके पास सेवन टॉफीज थी थोड़ी देर बाद आपके पास वो सिक्स हो गई फिर थोड़ी देर के बाद वो टॉफीज फाइव हो गई फिर वो आपके पास फोर टॉफीज हो गई तो टॉफीज आपके पास मोर हो रही है या लेस हो रही है बताइए कम हो रही है या ज्यादा हो रही है यस कम होती जा रही है है ना यानी कि पहले आपके पास मोर टॉफीज थी जो कि धीरे धीरे लेस होती जा रही है पहले ज्यादा टॉफी थी और जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है है ना अब अगर कम होती जा रही है तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे फोर से भी अगर कम अगर आपके पास टॉफ़ी हो जाए आपके पास फोर टॉफी थी एक और टॉफ़ी आपकी दोस्त ने आपसे ले ली तो अब कितनी हो जाएंगी थ्री और लेस हो गई इसको और कम करना है अगेन हमें तो थ्री टॉफ़ी थी एक और टॉफ़ी आपकी फ्रेंड ने ले ली अब कितनी हो गई टू आया आंसर समझ आया बच्चों तो देखो अब चाहे ये वाला क्वेश्चन आपके पास आए या इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके पास आपको घबराना नहीं है आपको ये सोचना है कि लेस से मोर की तरफ जा रहे हैं या मोर से लेस की तरफ जा रहे हैं अगर कम से ज़्यादा हो रहा है तो सीधे सीधे फॉरवर्ड काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए और अगर ज़्यादा से कम होता जा रहा है तो बैकवर्ड काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन बाय बाय